तो या हेलो एवरीवन, आपका लेक्चर 1 में हमने कुछ जो है स्ट्रांजा किया हुआ था, ठीक है। कुछ आखिर के जो है 2-4 स्ट्रांजा बच गए थे, ठीक है, वो मैं पार्ट 2 में जो है कवर अप करेंगे। प्लस आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पोएट्री में, पोएम्स में बहुत बार जो है सवाल आते हैं फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है। एक दो सवाल पक्का रहता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर क्या जो है यूज हुआ है, ठीक है। तो हमने जो है अनडिस्कवर्ड प्लैनेट तक पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये हमारा स्टैंजा है। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रो ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट अक्रॉस हुज ट्रेवलिंग फ्लैंक आवर फैंसीज क्राउड इन टू द रिम्स ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। ओके, तो यहाँ पर पोएम में जो H.W. लॉन्ग फेलो है, जो पॉइंट है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो मून है, यहाँ पर एक पर्सोनिफाई किया गया है मून को। ओके, वो ह्यूमन नहीं है, बट स्टिल एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना उस, वो फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। मून जो है आ रहा है, ठीक कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अ डार्क गेट ऑफ क्लाउड, ठीक है। डार्क गेट ऑफ क्लाउड से वो अपना क्या जो है लाइट पास कर रहा है, कहां पर, अर्थ पे। मून का लाइट हम लोग के अर्थ तक आता है, तो जो मून से जो आपका लाइट आ रहा है अर्थ तक, तो ये जो है जो लाइट है वो क्या है, एक ब्रिज ऑफ लाइट बोला गया, ठीक है। ब्रिज ऑफ लाइट यहाँ पर जो है पॉइंट इस तरीके से डिफाइन किए हैं, जो लाइट आ रहा है वो क्या है, एक ब्रिज की तरह है, ठीक है। जो क्या है एयर के साथ क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब क्या, शेक। ओके, शेक हो रहा है, ठीक है, हिल रहा है, ढुल रहा है ना। ऑब्वियसली हवा, आप देखिएगा आपके घर अगर 14th फ्लोर में, 15th फ्लोर में है, ठीक है, तो हवा का जो है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप और ऊपर जाएंगे तो हवा और ज्यादा जोर से चलता है। आप अगर मुंबई दिल्ली तरफ जाओगे देखोगे, ठीक है, 40 40 50 50 फ्लोर का बिल्डिंग होता है, हाँ, वहाँ ऊपर रहिएगा तो 40 फ्लोर मेरे जैसे लोग उड़ जाएंगे, हैं, इतना हवा का जोर झोंका होता है। तो इसलिए यहाँ पर थ्रो ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। ओके, तो वो सी पे क्या कर रहे हैं, अपना एक ब्रिज ऑफ लाइट जो है थ्रो कर रहे हैं, मतलब एक रास्ता बना रहे हैं। और यहाँ से वो जो है ये जो मून है ना, यहाँ पर गए, मर 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 के सब जो है कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं ना, वो देखो तारा बोलते हैं मेरे दादाजी, पता नहीं वो दादाजी है नहीं है, बोल तो देते हैं ना वो मेरे दादाजी बोल के, है। तो वही है, थ्रो ओवर सी ऑफ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, वो जो है एक लाइट थ्रो कर रहे हैं कहाँ पे, सी पे, सी हमारा अर्थ में है। अक्रॉस हुज ट्रैवलिंग प्लैंक आवर फैंसीज क्राउड इन टू रिम्स ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। आप रात को सो रहे हो, आपको सपना आता है, बहकी बहकी सपना आता है आपको, है, बहुत कुछ जो है दुनिया में चले जाते हो आप सपने में, रियल लाइफ में जाओ नहीं जाओ, ठीक है, सपने में तो चले ही जाते हो, हाँ। तो वो चीज वो बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं कि जो भी आपको सपना आ रहा है ना, ठीक है, जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप एज अ ह्यूमन तो नहीं जा पाओगे ये ब्रिज में, क्या चल के चले जाओगे क्या मून में, नहीं जा पाओगे ना, आप एज अ ह्यूमन तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके थॉट्स जो हैं वो ब्रिज में ट्रैवल करके कहाँ चले जाते हैं, ऊपर, मून, ठीक है, इन टू द रिम्स ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, वो ऐसा जगह में आपके कहाँ चले जा, आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आपके थॉट्स जो हैं इस जगह में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है एक क्या है, बस खाली एक इमेजिनेशन किया गया है, ठीक है, फैंसीज, फैंसीज क्राउड मतलब वही इमेजिनेशन किया गया है कि ऐसे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, किसके बीच, मून और अर्थ के बीच, और ये ब्रिज जो है बहुत ही ज्यादा क्या रहा है, हिल रहा है, ठीक है, किसके वजह से, हवा के वजह से, एयर के वजह से, बहुत ज्यादा जो है हिल रहा है, और इसमें जो है हमारे थॉट्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पर जा रहे हैं, मून के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट और वर्ल्ड ऑफ सेंस के बीच में एक क्या है, कनेक्शन जो है साबित किए हैं, कौन, पॉइंट, भूतियों के संसार, ठीक है, और रियल वर्ल्ड के संसार जो भी है, ठीक है, इनके साथ हम लोग का क्या है, कनेक्शन है बोलते हैं। ओके, सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंट,
अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर दैट स्वाय एंड बैंड वेंडर आवर थॉट्स अबव द डार्क एबिस। ओके, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि सरो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंट, मतलब वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है ऊपर, यहां से चीजें क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, कम्स डाउन, डिसेंट का मतलब नीचे आना, ठीक है, कम्स डाउन अ ब्रिज ऑफ लाइट, क्या आ रहा है नीचे, अ ब्रिज ऑफ लाइट, एक इमेजिनेशन वाला चीज है ना, अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस, ठीक है, वही से वो ब्रिज ऑफ लाइट थी जो है हमें क्या कर रहा है, कनेक्ट कर, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ सेंस को जो है कनेक्ट कर रहा है किससे, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से, कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हुज अनस्टडी फ्लोर, अनस्टडी फ्लोर का मतलब वो बहुत बड़ा ब्रिज होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और उसके फ्लोस क्या है, अनस्टडी, अनस्टडी का मतलब क्या होगा, अनस्टडी का मतलब हिलता डुलता जो मैं बोल रहा हूँ, नॉट कॉन्स्टेंट, अनस्टडी का मतलब हाँ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है, अनस्टडी का मतलब दैट स्वेज एंड बैंड, ओके, वो उस चीज, वो फ्लोर है जो कभी क्या होते हैं, स्वेज, स्वेज मतलब वो साइड बाय साइड, ब्रिज क्या होता है, आप देखिएगा आप यहाँ पर कहाँ पर है ये, ऋषिकेश, ऋषिकेश में आप देखें एक ब्रिज होता है, हाँ देखे होंगे बहुत वेब सीरीज भी हैं इस पे ऋषिकेश पे, हाँ तो ये जो एक ब्रिज होता है जो बहुत ही हिलता है, ठीक है, साइड बाय साइड, हम लोग का पहले वो घंटेश्वरी टेम्पल उड़ीसा में, ठीक है, वहां पर भी था, अब तो चीजें क्या कर दिया गया है, अच्छे से बना दिया गया है, ठीक है, पहले अगर आप जाते तो पहले वो कुछ ऐसा ही ब्रिज था जो वो क्या करता था, वो ऐसा हिलता था, ठीक है, अभी तो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, ठीक है, बहुत फेमस टेम्पल है कि नहीं, जाना जाता है, हम तो गए थे इसीलिए बोल दूंगा, बोला फेमस, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ जाते हैं तो चीजें फेमस हो जाता है, और ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर दैट स्वे एंड बेंड्स वैंडर आवर थॉट्स अबोव द डार्क एबिस, एबिस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेस, ठीक है, स्पेस मतलब जगह, वहां पर जाके हमारे थॉट्स क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है, वो जगह से, वो ब्रिज से हमारे थॉट्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, वो डार्क वर्ल्ड में चले जा रहे हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि हम लोग का जनरली अर्थ का कोई जो है रोशनी होता है कि नहीं होता है, अर्थ तो अपना रोशनी कहाँ से पा रहा है, सन से, सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, राइट, अगर सन नहीं होगा तो हमारा पृथ्वी क्या है, एक अंधकार से भरा हुआ है ना, हाँ डार्क ही है सब जगह, ओके, एक दिन सन नहीं निकलेगा तो रात कैसा होता है, वैसा दिन भी वैसा ही होगा, ओके, राइट, रात में भी एटलीस्ट आपको मून का लाइट मिल रहा है, और मून भी कहाँ से लेता है लाइट, सन से लेता है, ठीक है, और सन ही नहीं रहेगा तो मून भी अपना लाइट नहीं देगा, तो सोचो क्या होगा, है टकराते रहोगे रात में एक दूसरे से बस, ओके, कुछ दिखेगा तो नहीं आपको, है ओके, टॉर्च लाइट लेके जाओगे, तो वही है, तो वैंडर्स आवर थॉट अबाउट दी डार्क एबिस, ये है जो है पूरा पोयम है, मतलब यहाँ पर वही चीज बता रहा है वो, ठीक है, डरे तो नहीं आप, हाँ क्योंकि भूत तो हार्मलेस है, एक छोड़ूंगा आपके घर में, ठीक है, पता चलेगा फिर वो आप डर रहे हो नहीं डर रहे हो, हाँ बता के छोड़ने से क्या मतलब, ठीक है, तो अभी हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है वो फिगर ऑफ स्पीच, तो हमने एक चीज जो है फिगर ऑफ स्पीच आप लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी होता है ये, पहला हम लोग का क्या है राइम स्कीम, तो आप देखिए राइम स्कीम में ए बी लिखा हूं, आप सब जगह देख लीजिए, डिसेंट दिस, डिसेंट का राइमिंग हो रहा है क्या बेंड, ठीक है, तो ये सपोज ए है तो ये भी ए है, दिस का एबिस, राइट, तो ए बी सब जितने भी स्टांजा आप देख रहे हो सब में राइमिंग स्कीम वैसा ही है, ठीक है, तो वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, राइमिंग स्कीम दैट इज ए बी, ठीक है, फिर है सिमिली, सिमिली का मतलब क्या होता है, चीजों को कंपेयर करना, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड हो जाता है सपोज यूज हुआ लाइक या फिर एज, ओके, लाइक या फिर एज, तो सिमिली बोला जाता है, ठीक है, तो आप कहां पर सिमिली यूज हुआ है,
ठीक है, आप देखिएगा। हैं नहीं, यहाँ नहीं है सिमिली। ठीक है, आ देखिए, ये एक सिमिली है, फ्लोट लाइक एन एटमोसफियर। ठीक है, तो जब वर्ड लाइक यूज होता है उसके जैसा बोलते हैं, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे क्या, सिमिली। राइट, कंपेयरिंग थिंग्स आर कॉल्ड एज सिमिली, दैट फिगर ऑफ स्पीच। ये तो एक है, फ्लोट लाइक एन एटमोसफियर। और कहाँ पर यूज हुआ है? हाँ, स्टार्टिंग में यूज हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, देखिए, एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन दी वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज जो है यूज हुआ है, मतलब कंपेयर किया गया है घोस्ट को किसके साथ, कंपेयर किया गया है वॉल के पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो जब वर्ड एज या लाइक यूज होता है, ठीक है, तब हम लोग उसको बोलेंगे क्या, सिमिली। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, मेटाफॉर। ओके, मेटाफॉर कुछ ऐसे चीजें होता है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कंपैरिजन। राइट, जो चीज यहाँ पर कंपेयर कर दिया, नेचुरली वो चीज नहीं होने वाला है कभी भी। जैसे कि यहाँ पर बोला है परपेचुअल जार टू इमोर्टल सोल। ठीक है, क्या ये कभी हो सकता है? हाँ, यहाँ पर कंपेयर किया गया है परपेचुअल जार को किसके साथ, इमोर्टल सोल के साथ, ब्रिज ऑफ लाइट। क्या वो हो सकता है कभी भी, लाइट कभी भी ब्रिज बना सकता है? क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं वो ब्रिज पे? नहीं। तो वो जो है इस प्रकार का एक कंपैरिजन किया गया है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट स्टिल यहाँ पर क्या किया गया है, वो करवाया गया है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज क्या, मेटाफोर। तो आपको समझ में आया सिमिली और मेटाफोर के बीच में डिफरेंस? हाँ, मेटाफोर वैसा ही होता है, अनइवन कंपैरिजन। ठीक है, विच इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। फिर अब पर्सोनिफिकेशन, ये तो मैंने पढ़ाते समय भी आपको बोला था, पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देना। ओके, नॉन लिविंग को नहीं, नॉन ह्यूमन को। ओके, अगर आप प्लांट को भी ही शी बोल रहे हो तो प्लांट तो लिविंग है, बट स्टिल यहाँ पर क्या यूज होगा, पर्सोनिफिकेशन यूज होगा। तो एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना, दैट इज कॉल्ड एज क्या, पर्सोनिफाइंग थिंग। ओके, तो यहाँ पर जैसे मून फ्रॉम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, मतलब मून कहाँ से आ रहा है, डार्क गेट ऑफ क्लाउड। क्या चल पैर है क्या उसका जो आ रहा है? हाँ? जो पॉइंट ऐसा बोल रहे हैं, मून जो है आ रहा है। ठीक है, तो पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर मून को। ओके, तो वो जो है एक आपके क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये चार है, राइम स्कीम, सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। और भी है एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन मतलब क्या होता है, सेम ही लाइन में सेम कॉन्सोनेंट वर्ड, मतलब सेम जो है लेटर से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आर दोज फिगर ऑफ स्पीच विच हैव सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द सेम लाइन। राइट, जैसे कि हॉन्टेड हाउस, दोनों आप देखिए एच से शुरू हुआ है, लिटिल लाइट्स एल से शुरू हुआ है। राइट, है तो एलिट्रेशन उसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंट जो है साउंड एक होगा आपके सिमिलर लाइन, आपके सेम लाइन में आप देखिए कॉन्सोनेंट एक है, लिटिल लाइव्स, हॉन्टेड हाउस, तो उस जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर है क्या, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा मतलब एक ही वर्ड से कॉन्जिक्यूटिव लाइन स्टार्ट होना। ठीक है, सेम वर्ड से, जैसे यहां पर देखिए द से ही स्टार्ट हुआ है और फिर द से ही स्टार्ट हुआ है सेकेंड लाइन। ठीक है, तो जब सेम वर्ड से दो कंसेक्यूटिव लाइन, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन जब स्टार्ट होते हैं विद द सेम वर्ड बैक टू बैक, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा। ठीक है, कहां पर यूज हुआ है आप देख सकते हो, यहां पर यूज हुआ है ना एनाफोरा, कहां पर है, यहां पर। ठीक, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैनॉट सी द फॉर्म आई सी नॉर हियर द साउंड आई हियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूअसली यूज हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज क्या, एना फोरा। ओके, फिर नेक्स्ट कहाँ पर क्या है एना फोरा के बाद, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब क्या है, दो ओपोजिट वर्ड को एक साथ जोड़ के लिखना। ठीक है, जैसे कि लिव्ड एंड डाइड, ओपोजिट वर्ड है,
लेकिन एक साथ उसने जो है कंजक्शन से जोड़ दिया है, कम एंड गो, दो ऑपोजिट वर्ड को एक साथ यूज कर दिया गया है, ठीक है, टू एंड फ्रो, राइट, इधर भी या उधर भी, कम एंड गो। तो उस जैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस, ठीक है, चीजों को एक साथ जोड़ के लिख देना, जबकि वो कंप्लीटली क्या है, ओपोजिट है, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी थेसिस। और एक चीज है एंजैम्बमेंट, ठीक है, आपने पहली बार सुना होगा एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत जगह मैक्सिमम पोयम में यूज हुआ है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट का मतलब एक लाइन आपने लिखा है और ये लाइन को आपने खत्म नहीं किया है, फुल स्टॉप नहीं दिया है, या पंक्चुएशन नहीं दिया है, या कॉमा नहीं दिया है, और फिर दूसरा लाइन स्टार्ट कर देना विदाउट गिविंग एनी पंक्चुएशन, विदाउट गिविंग एनी साइन ऑफ नोइंग, लाइक हम लोग को पता चले कि हाँ ऐसा हुआ है करके, नहीं वैसा कुछ नहीं बताया गया है, बस एक लाइन को स्टार्ट किया है और फिर लाइन को खत्म भी नहीं किया, दूसरा लाइन फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया, ना कॉमा ना पंक्चुएशन ना कुछ, बहुत जगह ऐसा यूज हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड, देखिए सो ये कहाँ पर खत्म किया पता नहीं, सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंड, यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, ठीक है, फिर स्टार्ट हो गया अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग विद दिस, यहाँ पर तो है एटलीस्ट, यहाँ पर आप देखने को मिला आपको, हाँ, तो उस जैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजैम्बमेंट, ठीक है, जो चीजें कंटिन्यूअसली लिखता जाए, ठीक है, लाइन ब्रेक हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, नो पंक्चुएशन नथिंग, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एंजैम्बमेंट। तो टोटल कितना हुआ, एक दो तीन चार और पहले के चार, तो आठ फिगर ऑफ स्पीच जो है हम लोग देखे हैं ये पोयम में, राइट, तो वो आपको जो है स्टाइल में, ये होता है एक स्टाइल बोल के होता है आपके वर्कबुक में, ठीक है, ये स्टाइल में बताया जाता है, राइट, किस प्रकार से जो है पोयम लिखा गया है, क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि ये कोई सा भी पोयम आप लिख नहीं पाओगे विदाउट फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एटलीस्ट एक या दो फिगर ऑफ स्पीच आप जरूर यूज करोगे, विदाउट फिगर ऑफ स्पीच यू कैन नॉट मेक अ पोयम, और अगर आप बना भी रहे हो तो वो पोयम नहीं है फिर, ठीक है, वो आपका कहानी है जो आप बताना चाह रहे हो लेकिन कोई सुनना नहीं चाह रहा है, ठीक है, पोयम में फिगर ऑफ स्पीच होना बहुत जरूरी है, राइम स्कीम होना बहुत जरूरी है, तब वो जो है एक ऑफिशियल पोयम कहलाया जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो क्या कहलाया जाएगा, टाइम पास जो आप करते हो, हैं, तो आपको शायद समझ में आया होगा ये पूरा पोयम, ओके, वर्कबुक के क्वेश्चंस आप करिएगा, क्लियर, मुझे जो है कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्वेश्चंस का एक जो है अलग से वीडियो बनाएंगे जब हम लोग एग्जाम्स के करीब आ जाएंगे, ओके, तब हम लोग एमसीक्यू और जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब चीज़ पे वीडियो जो है हम लोग बनाएंगे, लेकिन वो एग्जाम्स के टाइम में, एज आपका चैप्टर जब खत्म हो जाए, आपके सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है, तब हम लोग जो है वैसे एक एमसीक्यू वीडियोस, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट वीडियोस वैसा भी बनाया जाएगा, ठीक है, वन शॉट टाइप का वो भी हम डालेंगे, क्लियर, तो अभी के लिए ये चैप्टर खत्म होता है, हमारा लेक्चर भी खत्म होता है, ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, राइट, थैंक यू सो मच।